Hello students, I welcome you again on Sunya BCS and this is Ancient History Part 2. So first part हम कर चुके थे, second part पे हम आ चुके हैं. Let's see कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं. So students, पहले part में हमने जितना भी prehistory और historical चीजें थी वो सब कर ली हैं complete. अब हम थोड़ा आ चुके हैं वैदिक एज से बाहर और अब हम महाजनपदास यहाँ से start करेंगे, right? महाजनपदा यहाँ से हम पढ़ने वाले, उसके बाद हम मौर्यन एज पढ़ेंगे, फिर देन आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तक आज मैं कराने का कंप्लीट कोशिश करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट टू. एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपका महाजनपदास है, महाजनपदास वो पार्ट हो जाता है जब आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन, हम जिसको बोलेंगे, स्टार्ट हो गया था आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन. मैंने आपको पहले बताया था पहली क्लास में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द अर्बन सोसाइटी. ठीक है, अर्बनाइजेशन वहां पे पहली बार शुरू हो चुका था बिकॉज वहां पे पूरी प्लान सिटीज थी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. महाजनपदास में भी ऐसे ही था. सेकेंड अर्बनाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो विलेज में एस्टेब्लिश थी वो अब अपना जो है प्रॉपर सिटीज में आने शुरू हो गई थी. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने अपना टेरिटोरियल आइडेंटिटी चेंज करना, जो पहले जो इंडिया का, अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज इंडिया, राइट, बिकॉज पहले तो ये पाकिस्तान वगैरह सब था. तो ये जो नदन पार्ट था ना, यहाँ से ग्रेजुअली शिफ्ट होके थोड़ा थोड़ा ईस्टवर्ड साइड भी ये आपका बढ़ने लगी थी सोसाइटी. ओके, सो अब इसको जनपदास, जनपद का कॉन्सेप्ट में पहले समझा चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, और स्टेट्स में आने लगी थी. अब यहाँ पे ट्रांजिशन का जो फेज है, यानी कि जो चेंज का जो फेज है, ट्राइब से मोनार्की. मोनार्की मतलब यहाँ पर जो राजा का, जो एक राजा है रूल करेगा, वो वाला जो सोसाइटी जब आने शुरू हो गया मोनार्की में, उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक पैटर्न जो पहले था ट्राइब का, कि पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका आर्यंस थे वो ट्राइबल्स थे, और वो किस तरह की वहाँ पे सोसाइटी काम करती थी कि जो सबसे बेटर हो, जो सबसे लर्न पर्सन हो, उसको वहाँ पर राजा बनाया जाएगा. डेमोक्रेटिक पैटर्न था एक तरह से रूल करने का, बट यहाँ पर उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो आइडिया था वो फर्स्ट टाइम हमको देखने को मिला किसमें, महाजनपदास में, कि एक राजा है वो रूल करता है, अपनी प्रॉपर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बनाता है. ओके, अब यहाँ पे जहाँ पे अलग सिंगल जो ट्राइब, जैसे कि शाक्या है, कोलियाज है, मालाज है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग जो स्टेट्स थे उनमें उन्होंने रूल करना शुरू किया. लाइक 16 महाजनपदास वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, 16 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और प्लेसेस विच दे वर फेमस फॉर. तो उन सब महाजनपदास में, जिनमें छोटे छोटे जनपद और ये सब इंक्लूड होते थे, ये जनपद ट्राई टू डोमिनेट एंड सब्जुगेट अदर जनपदास टू बिकम महाजनपदास. ठीक है, छोटे छोटे जनपद ये सब मिला के आपका एक बड़ा महाजनपद बनता था. ठीक है, तो ये भी हम इसमें देखेंगे. महाजनपदास जो है टोटल 16 थे. ठीक है, अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है, जो आपका बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है, उसमें 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया है. क्वेश्चन ये आ चुका है पहले. गांधार, गांधार जो है तक्षशिला इसकी कैपिटल हो जाएगी. गांधार कहाँ पे है, आपका वेस्टर्न साइड में है, यानी कि जो आज पाकिस्तान है वहां पर है. इसमें काबुल आ जाएगा, रावलपिंडी है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, कंबोज, अस्माका, वत्सा, अवंती, ये इंडिया में आते हैं. ठीक है, राजपुर, पोटना, कौशाम्बी, और ये सब आपका जो है रिवर गोदावरी का पार्ट हो गया. मिर्जापुर जो यूपी में है, अलाहाबाद और मिर्जापुर, और उसके बाद जो है मालवा का रीजन है. ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके महाजनपदास, इनका एरियाज डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, कुछ के प्लेसेस के नाम तो आज भी रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, जैसे कि आपका कुरूज हो गया, कुरूज हस्तिनापुर दिल्ली का एरिया है वहां पर. ठीक है, और मला जो माला मल्ल, इसको कुशीनगर, जहाँ कुशीनगर वो फेमस जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध का जो है देह प्रवासन हुआ था, इनका डेथ हुआ था. ठीक है, तो ये मल्ल जो है आपका जनपद में आता है, महाजनपद में. ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं आप इनको देख लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक इसका डिमार्केशन है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए. काशी, काशी जिसको हम आज बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, ये आपका यूपी का एरिया. कोसल आपका श्रावस्ती, इसकी कैपिटल हो जाएगी. अंग की कैपिटल चंपा हो जाएगी. गोंडा, बहराइच का जो एरिया है वहां पर मगध जो है, मगध आपका बहुत फेमस राजग्रह, ये मगध सबसे फेमस जो जनपद था, महाजनपद था, वो मगध बन गया था सबसे लास्ट में आते आते. तो मगध के बारे में भी हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें पटना, गया और मॉडर्न जो बिहार का एरिया है वो आता है. पांचाल, इसमें अहिछत्र,
जो आपका रोहिलखंड का जो एरिया है, सेंट्रल दोआब का, उत्तर प्रदेश का एरिया है, वो इसमें आता है। अब देखते हैं मगध। अब लास्ट में जब आपके आते आते जब सारे कौशल और ये जितने भी आपका वत्स वज्जी, ये जितने भी आपके महाजनपद थे, वो सब इंक्लूड होकर बाद में मगध जो जो आपका महाजनपद था, इस सब ने इंक्लूड कर लिया। मैंने आपको बताया था कि राजा जो बाकी जितने भी स्टेट हैं, वो छोटे छोटे राज्य को अपने राज्य में मिला के उसको बढ़ाना, ये एक तरह से राजा का यहाँ पर सोर्स ऑफ जो है लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ ये यहाँ पर जितना भी मैं बोलूँ, अगर उसके राज्य को बढ़ाने का एक तरीका होता था तो गलत नहीं होगा। बिकॉज मैंने आपको इंडस वैली में बताया था कि वहां पर लोगों का जो मेन पर्पस था वो था ट्रेड करना, ठीक है, और बाकी उसके बाद जो सोसाइटी आती है उसमें जो राजा हुए, राज्य हुए, वो अपने राज्यों को बढ़ाने में ज्यादा फोकस रखते थे। तो बाद में देखने में आया कि मगध जो है वो सबसे पावरफुल राजा बन गया था। अब देखिए मगध ही आज का आपका बिहार, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिहार के, ठीक है। तो आपको ऑफकोर्स आप बीपीएससी से हो तो बिहार के क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मौर्य से पहले मगध में तीन मेन डायनेस्टीज हुई, ठीक है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे हर्यंक से, शशुनाग वंश, देन उसके बाद नंदा डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य तो आपका सबसे फेमस था ही, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, तक्षशिला एंड आपका चाणक्य, इन सब से हम इसका रिलेट करेंगे, बाद में बात करेंगे, पहले इन सब तीनों जो आपकी जितनी भी डायनेस्टी है इनको बात कर लेते हैं। हर्यंक जो डायनेस्टी थी ये आपकी 6th से 4th सेंचुरी BCE का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये आपका 0 है, ठीक है, 0 AD। उसके बाद आपका ये इधर से BC हो जाता है, जो उल्टा चलता है, ठीक है, टाइम इधर से आपका एनो डोमिनी प्लस में चलता है, ठीक है। तो आपका इससे 6 सेंचुरी, चौथी और जो है आपकी 6ठी शताब्दी के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ इस तरफ आएगा समय, तो इधर 4th सेंचुरी के बीच में मगध जो है आज का बिहार है, ये सबसे पावरफुल महाजनपद था। बिंबिसार इसका सबसे फेमस जो है राजा हो जाएगा 542 BC से 593 BC तक। तो ये जो समय उल्टा लिखा है ये आपका कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसने अपनी पोजिशन मैरिज अलायंस से यहाँ पर मजबूत बनाई। बाकी सब जो राजा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लेते थे, इसमें बिंबिसार ने अपना एक तरीका बनाया कि जिससे ना दुश्मनी बढ़ेगी, ना नुकसान होगा, ना जानमाल जाएगा आपका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आसपास के जितने भी आपके कौशल वज्जी, ये जितने भी राज्य थे ना, आपका काशी हो गया, सबसे मैरिज अलायंस कर दिया, यानी कि सबकी सुंदर सुंदर बेटियों को वैसे उन्होंने शादी करना शुरू कर दिया, और उन्होंने 3 मैरिज रिलेशन बनाए। और इसमें जैसे आपका इसमें हो जाएगा प्रिंसली फैमिली, यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज है उसको भी बनाए रखा, और साथ के साथ उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उसका राज्य भी बढ़ गया, ठीक है। वेस्ट वर्ड और नॉर्थ वर्ड, जैसे कि पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो राजगीर मगध जो थी, जो उसकी कैपिटल थी मगध की, राजगीर थी, विच वॉज कॉल्ड गिरिवराज एट दैट टाइम, इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, द ओपनिंग्स इन विच वर क्लोज्ड बाय स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइड्स, यानी कि इसकी जो 4 दीवारें थी बहुत मजबूत थी, और इसमें जो है बड़े बड़े पत्थर से इसकी दीवारें बनाई गई थी। जब आप मगध मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो मैरिज अलायंस इसका एक रीजन रहा। दूसरा रीजन आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण था मौर्य या मगध का ही इतना महत्वपूर्ण जो है आगे बढ़ के आने का, तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन हो जाएगा, पहली बात तो था यहाँ पे लोहा, लोहा यहाँ पर बहुत ज्यादा था, आयरन यहाँ पे इनबिल्ट था, नीचे से आप माइंस होते निकाल लेते थे, और लोहा सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले कॉपर जब था सोसाइटी में तो कॉपर के हथियार तो इतने मजबूत नहीं होंगे, हल नहीं चलाया जा सकता, और यहाँ पर बहुत ही घने जंगल थे, उन जंगलों को काटने के लिए, हटाने के लिए लोहे के हथियार चाहिए, तो लोहा था मगध के पास, और मगध के पास लोहा होने के बाद उसके बाद यहाँ था पानी का बहुत रिच रिसोर्स। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का, यहाँ पर सोन जो नदी है ये यहाँ पर पूरा जो है एक तरह से पानी का एक अच्छा सा रिच सोर्स प्रोवाइड करती थी। तो इस वजह से यहाँ पर एक तो वाटर हो गया, ऊपर से मेटल हो गया, तीसरी बात यहाँ पर जो जो यहाँ के राजा थे वो राजा अपनी मिलिट्री को बढ़िया बनाने में सक्षम रहे बिकॉज उनके पास था मेटल के हथियार, ठीक है। इससे पहले अर्लियर देयर वर कॉपर जो आपके जितने भी वेपन्स होंगे, कॉपर के वेपन्स, ये सब आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, बट ये लोहे के, आयरन के मेटल्स जो होंगे ये अच्छे से कर पाएंगे। अजात शत्रु इसके जो नेक्स्ट जो किंग हो जाएंगे 592 से बिंबिसार के ही बेटे, इसके बाद इन्होंने अपने फादर को, इनको पितृहर्ता
वंश जो है बोला जाता है, अपने फादर की इन्होंने हत्या की थी सिर्फ अपनी गद्दी के लिए, और उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी एक्सपेंशन, जितने शांत इनके फादर थे, जितने पीसफुल इनके फादर थे, उसके अपोजिट ये बहुत ही एग्रेसिव थे। ये एग्रेसिव इन द सेंस कि ये लड़ाई झगड़े में और जो है लड़कर दूसरा राज्य हथियाने में अपना वो बड़प्पन समझते थे, ठीक है। तो मैक्सिम इन्होंने ये किया भी। उदयन उदयन ने क्या किया कि जो पटना थी, सॉरी जो पाटलिपुत्र 460 बीसी से 444 बीसी तक, उन्होंने जो गंगा और सोन, मैंने आपको बताया गंगा बिहार को बीचों बीच से काटती है, तो गंगा और सोन जहां पर पटना का कॉन्फ्लुएंस होता है वहां पर इन्होंने जो है अपना जो है किला बनाया। और इस किले की वजह से क्या होता था कि ये इधर से जो ईस्ट साइड में जाने वाले और इससे वेस्ट में जाने वाले सब तरह के जो है आक्रमण और लोगों से बीच में कंट्रोल कर पाती थी, राइट। बिकॉज पहले तो नदियों का रास्ता होता था, नदियों से ट्रैवल किया जाता था, तो ये एक तरह से बहुत ही डिप्लोमेटिक अच्छा तरीका था, अच्छा जगह पर इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। इस वजह से मगध पावरफुल बन पाया, ठीक है। तो पटना जो है इसी वजह से जो है इसका सेंटर भी बन गया मगध एम्पायर का। शिशुनाग वंश, उदयन ने क्या किया था कि जो डायनेस्टी थी शिशुनाग की, उन्होंने अपने कैपिटल वैशाली टेम्परेली शिफ्ट की। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो अवंती थी, अवंती जो राज्य था उसकी कैपिटल को, मतलब उसके उस राज्य को धीरे धीरे कम कर दी। उसके बाद जो है यहाँ जो इसकी उज्जैन कैपिटल था इस पर भी इन्होंने कब्जा किया। दिस ब्रॉट टू द एंड ऑफ 100-year-old राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इस वजह से जो मगध और अवंती के बीच में बहुत सालों से जो एक राइवलरी चल रही थी, एक दुश्मनी चल रही थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया और फाइनली उसको अवंती को किसमें मिला लिया, मगध में। नंद, अब जो नंद जो आए, नंद जो जिसको हम बोलते हैं आखिर जो मौर्यन एम्पायर से पहले का सबसे लास्ट वाला जो है एम्पायर यहाँ पे रहा है, उसके बारे में अगर बात करें तो शिशुनाग जो डायनेस्टी थी इसके बाद नंद डायनेस्टी आती है और उन्होंने सबसे पावरफुल रूलर मगध राज्य के बन गए थे वो, क्योंकि उन्होंने अलेक्जेंडर से भी यहाँ पर इस टाइम पे जो अलेक्जेंडर आया और उन्होंने जो है यहाँ पर उनसे लड़ाई की थी और जीते भी थे, और पंजाब के पास उन्होंने यहाँ पर, उसके बाद अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं थी कि वो ईस्ट की तरफ आपका आगे बढ़े। नंद ने यहाँ पर मगध की पावर में एक और जो है फेदर जोड़ दिया था, और उसके बाद यहाँ पर कलिंग फ्रॉम वेयर दे ब्रॉट एन इमेज ऑफ द जीना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी, ठीक है। तो आपका जो जो कलिंग थी, कलिंग जो मगध डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी ने मगध में जो है कलिंग को भी मिला लिया था, ठीक है। तो ये मगध आपका जो पता है आपको, एक तरह से अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर कलिंग हो जाएगा, यहाँ पर मगध हो जाएगा। तो कलिंग ही एक वो जगह थी जहां पर जो कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, बाकी सब जगह कॉन्क्वेस्ट करने के बाद भी इस पे नहीं जीत पाते थे राज्य। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था कलिंग की, अशोक ने इसके लिए इतना बड़ा युद्ध कर दिया और 13th जो उसका रॉक एडिक्ट है उसमें उसके बारे में अच्छे से वर्णन है। बिकॉज जो आपका कलिंग था, कलिंग वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ से आपका ईस्ट साइड से जो ट्रेड का जो सेंटर था वो कलिंग था उस समय, और इस समय यहाँ पर हाथियों का ट्रेड बहुत ज्यादा यहाँ से होता था, हाथी सबसे ज्यादा यहाँ थे, इस वजह से ये जगह जो है बहुत पॉपुलर थी और जो अशोक इसको जीतना चाहता था। खैर वो हम मौर्य एम्पायर में पढ़ेंगे बात। और इसके बाद जो है महापद्म नंद का समय आया। महापद्म नंद इसके सबसे इम्पोर्टेंट राजा हुए उन्होंने, और यहाँ पर आपका जो है सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जितने भी और बाकी राजा थे सबको खत्म करके अपनी जगह बनाई। एक बार इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं हर्यंक डायनेस्टी की। बिंबिसार हुए, इन्होंने मैरिज अलायंस, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी कि आपका जो जो बिंबिसार थे उन्होंने क्या कौन सा तरीका था जिससे वो मगध और अपनी हर्यंक जो डायनेस्टी थी उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बना पाए, बिकॉज ऑफ मैरिज अलायंस, ठीक है। और इसके बाद जो है अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, पहले उसकी राजगीर थी, उसके बाद क्या हुई पाटलिपुत्र, ठीक है। और फिर यहाँ पर उन्होंने अपने फादर को जो अजातशत्रु है इनके फादर थे बिंबिसार, इसको मार दिया। इसके बाद उदयन आते हैं और ये भी इन्होंने भी जो है फादर को मारा, और फिर यहाँ पर तो एक तरह से पितृहंता वंश इसको बोला जाता है।
तो शिशुनाग वंश जो नेक्स्ट आता है वो इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि एक तरह से डेमोक्रेसी हम यहाँ पर देखेंगे। और टेम्परेली यहाँ पर वैशाली में एक बार जो है कैपिटल फिर से चेंज होता है, और फिर लास्ट में से जो है पाटलिपुत्र जो है वो चेंज हो जाता है आपका कैपिटल एज अ मगध, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती 100 सालों के बाद उनका जो जितनी भी जो दुश्मनी थी वो खत्म हुई। देन नंद डायनेस्टी की हम बात अगर करते हैं तो सबसे पावरफुल था बिफोर मौर्य, ठीक है। तो मगध का सबसे पावरफुल क्या था मौर्य से पहले, नंद डायनेस्टी। नंद में क्या इसका आखिरी राजा कौन सा था, धनानंद, ठीक है। तो धनानंद इसका सबसे आखिर में जो सबसे पावरफुल राजा था, और इसी को हरा के ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। यहाँ पे इसका पहला नॉन क्षत्रिय रूलर्स थे, यहाँ पे सबसे पहले क्षत्रिय रूलर्स आते थे, बट ये पहला ऐसा था जो नॉन क्षत्रिय रूलर था। एलेक्सेंडर ने इन्वेजन किया, यहाँ पे यूज ऑफ एलिफेंट्स हो गया, ठीक है। महापद्मनंद इसका टाइटल, एक रथ, ठीक है, महापद्मनंद यहाँ पर हो जाएंगे इसके जो सबसे फेमस राजा है। और उसके बाद जो है अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, बुद्धिज्म एटसेट्रा जो है इजीली स्प्रेड, इस वजह से यहाँ पर जो है बुद्धिज्म थोड़ा सा अच्छे से फैल पाया था। बिकॉज ये अनऑर्थोडॉक्स होने का क्या मतलब होता है कि बहुत गहरे तरीके से जो पुराना जो धर्म धार्मिक विचार थे वैदिक समाज था उसको ही फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से दूसरा धर्म को स्पेस मिला यहाँ पे आने के लिए, समझ आया। देन इसके बाद हम राइज, मगध का राइज होने के लिए या मगध का अच्छे से जो है 15 और भी महाजनपद थे उनको हटा के सिर्फ मगध ही क्यों आया, ये एक रीजन है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और लेट्स डिस्कस। क्योंकि अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको समझा दिया भाई, एक तो इसकी ज्योग्राफी ऐसी थी कि हाँ भाई पानी था अच्छे से, एक तो माइंस थी, लोहा था, ऊपर से जंगल थे बहुत घने, बहुत बढ़िया परफेक्ट लोकेशन पे मगध स्थापित था, नो डाउट। आज भी बिहार है जिसमें राजगीर और पाटलिपुत्र ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे आपकी सिचुएटेड होती थी। बोला मैंने कि उदयन ने यहाँ पर अपना फोर्ट बनवाया दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर। तो सोन नदी जो है वो कहाँ से जाती है, साउथ से जाती है आपकी गंगा की तरफ, और गंगा मिल जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से सेंटर ऑफ पावर एस्टेब्लिश कर लिया अपना फोर्ट बना के, राइट। अब है अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, और इसने आयरन ने सबसे ज्यादा जरूरी जो है तरीके से और इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले किया है मगध एम्पायर के ग्रो होने में, ठीक है। बिकॉज ये वेपन्स देता था, भाई लोहे के वेपन्स तो हम आज भी यूज करते हैं, उसका थोड़ी कोई मुकाबला है। अब एलुवियल सॉइल, भाई उपजाऊ धरती तो अपने आप होगी, गंगा का पानी है, इधर से जंगल है ढेर सारे, तो उपजाऊ तो अपने आप होगी। तो गैंगेटिक प्लेन्स पूरे यहाँ पर सफिशियंट रेनफॉल होता है, और ये कंडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितना भी एग्रीकल्चर ये करते थे यहाँ पर, जितना भी खेती की जाती तो खेती का अच्छा प्रोडक्शन होता था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि मगध जो है बहुत ही प्रॉस्परस एक जो जनपद माना जाएगा, और सब जनपदों में सबसे ज्यादा अच्छी जगह पे इसकी एस्टैब्लिश था। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका स्लाइड हो जाएगी, आप देखना मगध के बारे में। राइज ऑफ टाउन एंड यूज ऑफ मेटलिक मनी बूस्टेड ट्रेड, मैंने आपको अभी तक बताया कि भाई बार्टर सिस्टम था आपका कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। धीरे धीरे बार्टर सिस्टम से एक चीजों का, भाई मेरे पास आलू है तुम्हारे पास प्याज है, दोनों एक दूसरे से बदल लेते हैं, दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था बार्टर सिस्टम। अब धीरे धीरे यहाँ पर मनी जो है पैसा वो आने लग गया, पैसे की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ने लग गई, और मेटलिक मनी जब आने लग गया तो भाई सिक्के छपने शुरू हो गए, शहर बनना शुरू हो गए, लोग अमीर लोग गरीब होना शुरू हो गए, और उसमें क्या था इक्वालिटी थी हड़प्पन में, ठीक है। उसमें इक्वालिटी थी बिकॉज इतना ज्यादा मनी पे लोग डिपेंडेंट नहीं थे जितना बार्टर पे था, ठीक है। तो इक्वालिटी यहाँ पर कम होने लगी सोसाइटी में, अमीरी गरीबी बढ़ने लगी यहाँ पर, राइट। कॉमर्स बढ़ने लगा, दूसरे देशों से भी जो है कॉमर्स से ये हमारा ट्रेड होने लगा, ठीक है। और जो है आपकी प्रिंसेस कुड लेवी टूल्स एंड एक्यूमुलेट वेल्थ टू पे मेंटेन देयर आर्मी, जितने भी प्रिंस और प्रिंसेस थे, राजा रानी जो भी थे यहाँ पर, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ वो इकट्ठा करने लगे। क्यों, किस वजह से वेल्थ हुआ, भाई जितना ट्रेड करेंगे तभी तो वेल्थ होगा, तभी तो पैसा आएगा। उस पैसे को वो इस्तेमाल करने लगे किस चीज में, अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने में। तो अपनी आर्मी को इन्होंने बेहतर बनाया, और इस वजह से यहाँ पर उनके पास जो है मगध पावरफुल राज्य बन गया। अब एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे, भाई एलिफेंट बाढ़ हो आंधी तूफान हो, तो अगर आपकी सेना के पास ज्यादा से ज्यादा एलिफेंट होंगे ना तो वो पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि कि वो ऐसे हार्ड सिचुएशन में भी वो लड़ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं।
लार्ज स्केल युद्ध में सबसे ज्यादा यूज होने लगा, प्रॉक्सिमिटी टू एंशियंट कलिंगा। मैंने बताया ना कलिंग से आपका एलिफेंट का हाथी का व्यापार होता था। अब अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधन सोसाइटी, ये भी मैंने समझा दिया है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल एंटरप्राइजिंग एंड एम्बिशियस रूलर्स, अब यहाँ पर एम्बिशियस रूलर्स कैसे कैसे, जैसे कि भाई आपका धनानंद हो गया, महापद्मनंद हो गया, आपका इधर से अजात शत्रु हो गया, इस तरह के एम्बिशियस रूलर बहुत ज्यादा थे जिनका एम्बिशन ये था कि जितने भी आसपास के राज्य हैं मैं अपने राज्य में मिला लूं। एम्बिशियस रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज यहाँ पर बहुत काम कर गई मगध के लिए। अब मगध से बन गया, देखो मगध तो था क्या था, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस स्टेट्स का, राज्य का पूरा मगध हो गया, मगध के अंदर ही आ गया। मगध में एक डायनेस्टी एक उभर के आई, मौर्य डायनेस्टी। अब ये मौर्य कौन थे, मौर्य कोई बहुत बड़ा क्लैन नहीं था, बहुत बड़ा जो है राजवंश नहीं था, ये एक व्यक्ति थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके नाम से ये शुरू हुआ है मौर्य डायनेस्टी, राइट। और इसमें लिटरेरी सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ये है आपके कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है, जो तक्षशिला में क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। मेगस्थनीज की इंडिका मैं सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ, वहां से पता चलता है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त ने लिखी थी, और ये जो है गुप्ता पीरियड के दौरान ये लिखी गई थी। और ये इन्होंने बताया कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने चाणक्य की असिस्टेंट से नंद डायनेस्टी को भगा दिया था, नंदा जो आपकी डायनेस्टीज है उसको यहाँ से ओवरथ्रोन कर दिया था, राइट। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है पुराणास, पुराणास में भी इस बात का डिस्कस है। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो जातक जो कहानियां है, जातक कहानियां आपको पता है, उन्होंने जनरल पिक्चर एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मौर्यन पीरियड के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अलग अलग लिटरेरी सोर्सेज से ये पता चलता है, किताबों से पता चलता है, बुक से पता चलता है, एपिक से पता चलता है कि किस तरीके से आपका जो है मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर बन गया था, राइट। अब बात आती है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है जातक पोट्रे, बुद्धिस्ट जो क्रॉनिकल्स हैं दीपावंसा महावंसा, इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है, मैंने आपको पहले ही वीडियो बताया था कि दीपावंसा महावंसा इनका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ से क्या है, ठीक है। ये बहुत फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और जो है अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका और भी जो है ईस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ पर फैलाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये इसको फैलाया था, तो वो वाली किताब है। और तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है जिसको दिव्यावदान बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन देता है अशोक और उसके एफर्ट्स के बारे में कि उन्होंने कैसे बुद्धिज्म को फैलाया। आप सबको पता है कि अशोक जो है बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे आफ्टर द कलिंग वॉर, जिसका वर्णन हमें मिलता है 13th रॉक एडिक्ट ऑफ कलिंग, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कौन कौन से सोर्सेज है जो बताते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब यहाँ पर है पंच मार्क कॉइन्स, यानी कि जो आपके जो कॉइन्स है यहाँ पर जो बनाए गए हैं आपके कॉइन्स, ठीक है, जो फेमस जो आपके अशोका के और उस समय के मौर्य डायनेस्टी के, उनसे हमें पता चलता है। वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो महल है जो लकड़ी का महल है उससे हमें पता चलता है, आधा जला हुआ इसके अवशेष अभी भी है, ठीक है। और नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो आपका जो काले जो जिस तरह से जो पेंट किए जाते थे और जिस तरह से जो बर्तन होते थे वहां पर मृदुभांड जिनको बोला जाता है वो पाए गए, उनसे पता चलता है। अशोक का जो जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं और उनसे हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से जिन पे जो शिलालेख है वहां पर, ठीक है, और इन सब से हमें सब इनके बारे में पता चलता है। अब मेन बात आती है अशोकन एडिक्ट्स की। अब जो अशोक है, अशोक के एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे, आपको सबसे फेमस पता है कि मौर्य डायनेस्टी के सबसे फेमस जो है किंग कौन हुए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, ठीक है, और उसके बाद बिंदुसार बिंबिसार में आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिर आते हैं अशोका। तो अशोका ने एक तरह से जितना ज्यादा सबसे जो है हाइएस्ट जो इंडिया का अगर जो एक्वायर किया है तो अशोकन जो है अशोक के टाइम पे किया, उसके बाद अकबर द ग्रेट के टाइम पे हुआ है इतना ज्यादा कॉन्फ्लुएंस इंडिया में। तो इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उनकी पिलर्स और रॉक से, और वो हम कैसे बिल्कुल हम बिकॉज हम पढ़ पाए, वो लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी जो इनकी इंस्क्रिप्शंस थे, ये देखो ये सब लिखा हुआ है प्राकृत लैंग्वेज खरोष्ठी और अरामिक जो है इनकी स्क्रिप्ट होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी उनके, उससे हमें पता चलता है कि अशोका, और उसको हम पढ़ पाए, हम उसको उनको डिसाइफर कर पाए, तभी हम उसको जो है हमें पता चला कि अशोका के बारे में कि वो कितने महान थे, ठीक है। ऑल पिलर एडिक्ट्स आर कार्व्ड
आउट ऑफ चुनार हिल्स एंड फ्रॉम देयर वर डिस्पैच टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, चुनार का आपको पता है चुनार कहाँ है, ये बिहार में है. राइट, द इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली इन प्राकृत प्राकृत लैंग्वेज. भाषा भाषा और लिपि में अंतर होता है. लिपि जो हम स्क्रिप्ट है जिसे हम लिखते हैं, अक्षर को बनाने का तरीका, और जो लैंग्वेज होती है जिसमें व्याकरण होती है, जिसमें आपका ग्रामर होती है. राइट, तो ये सब आपका लैंग्वेज और आपके स्क्रिप्ट को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से, इसको ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वहां से आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब अफगानिस्तान तक हमें इसके अवशेष मिले हैं, किसके, अशोका के बारे में, अशोका के शिलालेख के बारे में, तो वहां भी मिला है उनको, तो वो अरामिक स्क्रिप्ट हो जाएगी जो कि ग्रीक भाषा से मिलाकर बनी गई है. ठीक है, ग्रीक भाषा की स्क्रिप्ट है. और अब है शब्जागढ़ी, ये है आपका मनसेरा, ये स्क्रिप्ट है इसकी खरोष्ठी. कांधार है, इसके एडिक्ट यहाँ पर बाइलिंगुअल है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में एक साथ पाए गए हैं. तो हम देख सकते हैं कि अशोक का जो थ्रू आउट फ्रॉम अफगानिस्तान से लेकर आपका जो है म्यांमार बर्मा तक, और इधर से लेकर आपका श्रीलंका तक, और लगभग जितना भी आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में, और ये आपका अशोक के नाम की जो शिलालेख है वो पाए गए हैं. अब मेजर रॉक एडिक्ट्स, इसके बारे में अगर बात करें तो वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म. माइनर रॉक एडिक्ट्स क्या बात करते हैं, जो धम्म, धम्म क्या था, धम्म जो है अशोक का अपना धर्म प्रचार का तरीका, इसके रूल्स प्रिंसिपल्स वो इसमें लिखे गए हैं, वो इसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स में बताए गए हैं. माइनर रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका इन समरी ऑफ हिज धम्मा. ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पैराग्राफ से इसमें मेंशन है. और पिलर एडिक्ट, जो पिलर आपके स्तंभ है, स्तंभ से जैसे हमारा अशोक स्तंभ है, वहां से हमने हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट. राइट, तो ये पिलर एडिक्ट, इससे मतलब हमें पता चलता इन डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स पे भी अशोका के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में अच्छे से मेंशन है. अब मेजर रॉक एडिक्ट हमें क्या कहते हैं, इसमें आपका एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, फेस्टिव में त्योहार के समय इकट्ठा होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, मेडिकल मिशन, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास और कोर्ट से रिलेटिव्स, एल्डर्स, इस तरीके से ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से मॉरल लाइफ और मॉरल ड्यूटी जो है यहाँ पर बताई गई है, ये ध्यान रखना क्या है, मॉरल एक तरह से ड्यूटीज यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है. नेक्स्ट हो जाएगा नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, ऑल सेक्ट्स ड्वेल इन पीस. राइट, कहने का मतलब है आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, उस धर्म का बेस क्या है, उस शांति, अगर शांति नहीं है तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से शांति का दूत बनकर प्रचार प्रसार किया है. ओके, अब इसके बाद जो आपका सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा, उन्होंने धम्म यात्रा भी की, अपने बच्चों से यात्रा करवाई, अपने जो है जितने भी इनके मंत्रिमंडल था उनसे इन्होंने जो है धर्म को फैलाने में बहुत बड़ा सपोर्ट लिया है. अटैक ऑन मिनी लेक सेलेमरीज रिचुअल, जैसे कि कोई भी ढोंग आडम्बर है उनको इन्होंने रोका है. और कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर्स, यानी कि धम्म के थ्रू आप दूसरे राज्यों को एक्वायर करो, ना कि वॉर करके. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कलिंग में वार किया था और फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ था. राइट, और एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी, अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स. ठीक है, जितने भी अलग अलग धर्म, उन सब धर्मों में प्रेम से रहना इन्होंने सिखाया है. कलिंग वॉर जो है, फाइव कंटेम्प्ररी हेलेनिक ग्रीक किंग्स इसमें इनका मेंशन है, यानी कि उस समय के पांच ग्रीक राजाओं का इसमें मेंशन हो जाएगा. और इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ और फर्स्ट सेपरेट रॉक एडिक्ट टू एट धूली, धोली, धोली में ये जो आपका यहाँ पर इसका रॉक एडिक्ट है ये बहुत फेमस है. ऑल सब्जेक्ट्स आर माय चिल्ड्रन, जितने भी यहाँ पर मेरे राज्य में लोग हैं वो मेरे बच्चे के समान हैं. ठीक है, इसमें ये बात लिखी गई है. ओरिजिन ऑफ द मौर्यास, अब मौर्यास का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये हम देख लेते हैं. बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज क्षत्रियास, मतलब कई टेक्स्ट उनको क्षत्रिय बोलते हैं, मौर्यंस को कई बोलते हैं कि वो लो डायनेस्टी से आए थे, किसी लो कुल से आए थे और क्लैन उनका छोटा था और शूद्रास थे, बट हम मानेंगे उनको कि क्षत्रियास. जो टेक्स्ट हमें रिटर्न में हमें प्रूफ देते हैं हम वो चीजें को फॉलो करेंगे. राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट मौर्यास वर नीदर ऑफ हायर नॉर ऑफ लोअर ओरिजिन, यानी कि आपका यहाँ पर जैन जो
टेक्स्ट है, किताबें, उन्होंने माना है कि मौर्य ना कोई ऊंची जाति के थे, ना कोई लोअर ओरिजिन था उनका, ना ऊंचे थे ना नीचे थे, वो एकदम सही थे, बराबर थे, ठीक है। और द पुराणास एंड ब्राह्मणिक लिटरेचर डिस्क्राइब देम एज शूद्रास, मैंने बताया कई जगह उनका शूद्र भी उनको बोला गया है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने जो लिखी है इसमें उनको वृषल और कुलहीन, यानी कि कुलहीन जिनको मतलब छोटे कुल का, नीचे कुल का, उनको बताया गया है, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त जो है, ओनली एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, हम्बल ओरिजिन मतलब कोई नीचे कुल से ही वो पैदा हुए हैं। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एंड रुद्रदमन, इन्होंने यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट एविडेंस दिया है, विच सजेस्ट दैट मौर्यास मी हैव बीन ऑफ वैश्य ओरिजिन, ठीक है, ये शायद ये वैश्य ओरिजिन के हो सकते हैं। और ये कहाँ से हमें पता चलता है, जूनागढ़ से। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि ये कहाँ से पता चलता है कि जो है नीचे कुल के थे मौर्यास, ये कहाँ से पता चलता है कि वैश्य ओरिजिन के थे। तो जूनागढ़ का जो लेख है वहां से पता चलता है, जो पुराण है वहां से पता चलता है, विशाखा दत्त का ये उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, सबसे पहले जो राजा है इसका, जहां से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, उन्होंने डीथ्रोन किया लास्ट धनानंद जो किंग थे नंद डायनेस्टी के उनको, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट रीजन यहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया। अब यहाँ पे एपियनस टेल्स अस दैट अराउंड 305 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, जो कि ग्रीक किंग थे, एट द बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के किनारे, और उन्होंने बहुत बड़ी जो जो है एरिया था वो यहाँ पर उन्होंने एक्वायर किया था। ये एरोशिया, ये आपका कांधार के आसपास, और बलूचिस्तान और कबुल, ये सब जो एरिया थे यहाँ पर उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था इन रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट्स, बिकॉज यहाँ पे एलिफेंट थे फेमस। मगध के पास जो थी पावरफुल चीजें क्या थी, मगध की आर्मी में एलिफेंट्स होते थे, तो 500 एलिफेंट्स के बदले में उन्होंने ये सब जो है वो सरेंडर जिन इन सब राज्यों के बदले में दिए थे, ठीक है। आफ्टर द ट्रीटी विद सेल्यूकस निकेटर द बाउंड्री ऑफ एम्पायर रीच्ड अप टू हिंदुकुश, हिंदुकुश की पहाड़ियां कहाँ है भाई, हिंदुकुश है यहाँ पे, जैसे ही अपना भारत देश है यहाँ पर, ठीक है, इधर पाकिस्तान हो गया, तो हिंदुकुश की पहाड़ियां यहाँ पर आपकी आती हैं, ठीक है। हिंदुकुश जो टॉप जो जो आपका सबसे टॉप हिमालय है वहां पर आपकी हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं। तो मेगास्थनीज वॉज ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर, राइट। तो मेगास्थनीज यहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त जो है उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया और वेंट टू चंद्रगिरी हिल्स, ठीक है। इसके बाद जो है श्रवण बेलगोला जो कि साउथ में है, कर्नाटका में है, आज भी जो जैन धर्म का मेन जो सेंटर है उसमें से श्रवण बेलगोला आता है। और भद्रबाहु, भद्रबाहु वो संत थे जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आए थे, और जो श्वेतांबर इनको जो दिगंबर बोला गया, ठीक है, दिगंबर इनको बोला गया था, वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख से मर गया, क्योंकि जो निर्वाण प्राप्ति का जो तरीका है जैनिज्म में वो क्या था कि अपने आप को भूखा रखो, और सल लेखना की विधि इसको बोलते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, इस पे बैन लगा दिया है कि कोई भी संत इस तरीके से अपनी जान नहीं देगा भूखे रहकर। तो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य उस समय में क्या किया, इन्होंने अपने आप को जैन बना लिया, और ये आखिर में उन्होंने अपनी मौत स्टारवेशन से इस तरीके से संलेखना विधि से कर दी। अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड, राइट। पूरा नॉर्थ इंडिया क्या किया, यूनाइट हो गया, एक तरह से इकट्ठा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब बिंदुसार क्या है, बिंदुसार 298 से 273 BC के समय चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीड हुए, उन्होंने क्या किया, अपने उनके बाद उनका बेटे बिंदुसार आए, एक थे बिंबिसार, बिंबिसार को आप याद रखेंगे, ठीक है, बिंबिसार यहाँ पर आपका जो है हरियंक डायनेस्टी के किंग हो जाएंगे, आप उसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ओके,
अब आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने बिंदुसार आते हैं इसके बाद इनके बेटे अशोक आते हैं, तो इनका क्या रोल था मेन? तो उनका जो है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, मद्रासार, सिंहसेना और एमिटोक्रेटस, तो इस तरीके से। और सीरिया के जो राजा थे एंटियोचस द फर्स्ट, उन्होंने अपने एम्बेसडर डायमकुस को इनके राज्य में भेजा था बिंदुसार के पास, और उनको उनसे तीन चीजें उन्होंने मांगी थी, ये बहुत फेमस है, स्वीट वाइन, मीठी शराब, ड्राइड फिक्स, अंजीर सूखे, और उसके बाद ए सोफिस्ट यानी कि एक दार्शनिक को, यहाँ पर इन्होंने फिलोसोफर को मांगा था। पर उन्होंने क्या किया कि वाइन और फिक्स तो दे दिए थे, बट सोफिस्ट यानी कि एक दार्शनिक को नहीं दिया था, और कहा था कि ये जो ज्ञान है ये हमारा है, आप अपना ज्ञान डेवलप कीजिए, उसके बाद जो आप सबको पता है कि दुनिया जानती है कि कितने सारे ग्रेट फिलोसोफर्स वेस्ट में हुए, और बिंदुसार ने ये नहीं दिया था उनको, ठीक है। और इसके बाद बिंदुसार पेट्रोनाइज्ड आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट क्या होता है? जो आपका आत्मा, किस्मत और ये सब, इन सब में बिलीव करते हैं कि जो आपका जीवन जी रहे हो पहले से निर्धारित, आजीविका सेक्ट इसमें बिलीव करता है, राइट। अब बात करते हैं अशोक की, द वेरी फेमस द अशोक, ठीक है, द ग्रेट अशोक। द नेम्स ऑफ अशोक फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज आर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रिय नाम, दसी, ये सब तो हमें पता है, बट उसके अलावा और कौन क्या क्या नाम उनके, ये देख लेना। अशोक जो है वो हमें मस्की का माइनर रॉक एडिक्ट जो साउथ में, वहां से पता चलता है। देवनाम प्रिय अशोक राजा, ये गुर्जर माइनर स्टॉक से पता चलता है। पियदसी राजा, ये बारा बार की जो गुफाएं हैं वहां से हमें पता चलता है, जो बिहार में है। पियदसी ये कांधार जो वेस्ट में है वहां से पता चलता है। अशोक मौर्य ये रुद्र दमन का जो जूनागढ़ का जो रॉक एडिक्ट है वहां से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सब आप नाम याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हमें अशोका के अलग अलग नाम पता चले हैं। अब बुद्ध के ट्रेडिशन की अगर माने तो यहाँ पर अशोक जो है उनके बाद जो है उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार के अपनी जो है गद्दी प्राप्त की थी। तो तिस जो थे सबसे छोटे, और इसके बारे में ये कहते हैं कि भाई मिथ्या भी है, ज्यादा सच भी नहीं माना जा सकता इसको। एंड द वॉर ऑफ सक्सेशन अकाउंट्स फॉर इंटरगनम ऑफ 4 ईयर्स एंड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन द थ्रोन अशोका हैड हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउन्ड इन 269 BC। तो ये हो जाएगा आपका अशोका। और इसके बाद राधा गुप्ता मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार हेल्प्ड हिम फ्रेट्रिसाइडल स्ट्रगल एंड कैप्चर थ्रोन, राइट। जो बिंदुसार के एक जो है मिनिस्टर हो जाएंगे, और उन्होंने उसको हेल्प किया अलग अलग राज्यों को कैप्चर करने में, ठीक है। तो ये माना जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको सच भी नहीं माना जाएगा। द क्वींस ऑफ अशोका वर असंधिमित्त, ये कौरवा की, और पद्मावती। देवी वॉज इज फर्स्ट लव बट शी नेवर गॉट द स्टेटस ऑफ क्वीन। अंडर अशोक द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, ठीक है। तो अशोक का जो राज्य था उस समय मौर्यन एम्पायर अपने आखिर में चल रहा था, उसके बाद इतना कोई बड़ा राजा नहीं आया और फिर मौर्यन एम्पायर का अंत हो गया। वो मौर्यन एम्पायर जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, एक तरह से जिसके खिलाफ पूरे भारत को कोई नहीं जीत पाया, पर मौर्यन एम्पायर ने अपना जो है पूरे इंडिया को और आसपास के जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक कर दिया था। अब इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लीविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर इम्पीरियल कंट्रोल। यानी कि अगर साउथ की माने तो पूरा का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था वो यहाँ पर आपका इसमें मौर्यन एम्पायर में शामिल था, सिर्फ वह साउथ का एरिया ये नहीं था इसके अंदर, राइट। अब देखा जाए अशोक ने यहाँ पर क्या किया था, कलिंग का वॉर जो है लड़ा था 261 BC में, और यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 261 साल पहले, और ये जो है नाइन्थ ईयर ऑफ इस कोरोनेशन, यानी कि जब इसको इसका अभिषेक हुए 10 साल हो चुके थे, 9 साल, तब इन्होंने ये वॉर लड़ा था। और द किंग वॉज मूव बाय मसाकर इन दिस वॉर, और उन्होंने अपनी पॉलिसी ही पूरी बदल दी इस युद्ध के कारण, कि इसमें बहुत लाखों लोग मारे गए थे, राइट। तो उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने वो बुद्धिस्ट बन गए, बुद्ध फिलोसफी से प्रेरित होकर उन्होंने धम्म की जो है यहाँ पर स्थापना की थी। अब देखते हैं धम्म क्या है, जो है अशोक का धम्म इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो अशोक के धम्म की अगर बात करें तो
तो इसमें ये बुद्धिज्म से थोड़ा सा अलग हो जाएगा. धम्म प्रोपोगेटेड द टेनेट्स ऑफ टॉलरेंस एज वेल एज मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट्स. एक तरह से जैसे बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म में आपको निर्वाण का तरीका, ये जो है आपका सल्वेशन का तरीका, एक तरह से रिलीजन हो जाएगा. बट धम्म क्या करता, धम्म एक तरह से पॉलिसी बताता था कि आपको अगर जीना है एक अच्छे से, एक अच्छा नागरिक बन के रहना है, तो कुछ नियमों का पालन आपको करना चाहिए. एक धर्म इस तरह से पॉलिसी बताता था, ठीक है. और इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर एज विद द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर द पॉपुलेशन हैड बिकम हेट्रोजीनियस डाइवर्स एंड मल्टी रेशियल, राइट. यानी कि जो आपकी मौर्यन एम्पायर की पॉपुलेशन थी, इसकी वजह से ही आपका क्या हुई, डाइवर्स बन पाई, यानी कि मल्टी रेशियल, इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग आ पाए, शामिल हो पाए, क्योंकि इन सबका सम्मान इनको यहाँ पर मिला, ठीक है. नेक्स्ट है, इट ऑर्डेन दैट पीपल शुड ओबे दियर पेरेंट्स, पे रिस्पेक्ट. मतलब एक तरह से मॉरल, नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ते हैं बचपन में आप, तो उस तरीके से ही यहाँ पर रूल जो है बनाए गए कि आपको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, एक तरह से जो है सरकार के जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ था. ब्राह्मणस एंड बुद्धिस्ट मंक्स एंड शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. और ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन स्वर्ग, यानी कि अगर वो अच्छे से बिहेव करते हैं तो उनको आखिर में स्वर्ग की प्राप्ति होगी. अब लेटर मौर्य क्या था भाई, लेटर मौर्य में आपके आ जाएंगे 230 टाइम. एक तो याद रखना मौर्यन डायनेस्टी लगभग 137 साल तक है चली थी. इसमें से तीन जो मौर्यन किंग थे बड़े बड़े, आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, आपका बिसार, इसके बाद आपका जो है अशोक, इन्होंने जो है 90 साल तक रूल किया था. और लेटर मौर्य ये क्या थे, ये 47 साल तक ही बाद में चला पाए. इसमें से एक बृहद्रथ भी हो जाएंगे अशोका की डेथ के बाद. उनका जो है डिविजन ऑफ मौर्यन एम्पायर जो दो हिस्सों में था, वेस्टर्न और ईस्टर्न में, और वेस्टर्न पार्ट के रूल रूल्ड बाय कुणाल एंड देन बाय द संप्रति फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए. ईस्टर्न पार्ट था वो दशरथ को के पास चला गया था. और फिर लास्ट में बृहद्रथ जो सबसे लास्ट जो किंग हो जाएगा मौर्यन डायनेस्टी का, असैसिनेटेड इन 185 BC बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग. और यहीं से आपका शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है, राइट. उनके कमांडर इन चीफ ने, पुष्यमित्र शुंग ने उनकी डेथ कर दी थी, उनको असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था, ठीक है, गद्दी के लिए. एंड हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस लेक्चर बाय स्पॉन्सर्ड बाय शून्य PCS, राइट. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मौर्यन गवर्नमेंट जो है वॉज अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विद किंग एज फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर्स. यानी कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो राजा है वही मेन सेंटर होगा पावर का, और उसी से जो रूल्स जो है जाएंगे, उसी से जो पॉलिसीज हैं वो बन के जाएंगी, उसी के मेन डिसीजंस होंगे, ठीक है. और ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, और यहाँ पर कौटिल्य चाणक्य, उनके अनुसार यहाँ पर 7 एलिमेंट होने चाहिए. सप्तंग थ्योरी उनकी है, राजा, इसके बाद अमात्य जो सेक्रेटरीज होंगे, जनपद, इसके बाद दुर्ग, इसके बाद कोष, फिर सेना, फिर मित्र, जितने भी उसके दोस्त हैं ये सब इसमें आएगा. स्टेट ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्टिवली टुक पार्ट एज वेल एज रेगुलेट्स द ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट. अब द ऑफिसर्स वर पेड सैलरी इन कैश, जितने भी ऑफिसर्स थे वो सैलरी जो है अपनी कैश में देते थे. एम्पायर, किंग, प्रोविंसेस, कुमारास, डिस्ट्रिक्ट, आपका प्रदेशिका, राजू का, और सब डिविजन इसकी क्या हो जाए, गोपा, ये आपका स्थानिक, विलेज, इसको ग्रामीका बोला. तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म याद रख लीजिएगा आप, ये काफी जरूरी है, पेपर में ये आते हैं, राइट. लोकल और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में अगर जाने तो इसमें यहाँ पर किस तरह का था कि इसको जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, जो प्रोविंस थी सबसे पहले बड़ी प्रोविंस हो जाएगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिनको विश और अहर बोला जाता था. हर तीन ऑफिशियल यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं, युक्ता, राजुका और प्रदेशिका, ये आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते, यानी कि इस विश्व का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन तीनों के पास होता था. ग्रामीका यानी कि गांव जो है वो हेड हो जाएगा विलेज का. अब इसमें छोटे छोटे गांव आएंगे, इन गांव के हेड को हम क्या बोलेंगे, जो आज हम जिसको सरपंच बोल देते हैं, प्रधान बोल देते हैं, वो ग्रामीका होता था.
नगरका वॉज द चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी. इसके बाद जो नगर का जो एक तरह से जज जिसको हम बोल देंगे वो लॉ एंड ऑर्डर के राजा होता था. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीज वॉज एक्सिलेंट ड्यूरिंग दिस मॉडर्न पीरियड. आपको पता है सिटीज का तो था ही, अर्बन थी सोसाइटी. और मेगास्थनीज गिव्स एन अकाउंट, इन्होंने अपनी इंडिका में बताया है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरह से यहाँ पर कास्टिज्म था सोसाइटी के बारे में. देयर वर सिक्स कमिटीज ऑफ फाइव मेंबर्स ईच, यानी कि 30 मेंबर की टोटल एक कमेटी होती थी म्यूनिसिपैलिटी में. उसमें 6 कमेटियां बनाई जाती थी और हर एक में 5 मेंबर होते थे. राइट, ये याद रखना. फंक्शन क्या थी इन कमेटियों के, भाई इंडस्ट्रियल आर्ट देखना, एंटरटेनमेंट देखना, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ का देखना, ट्रेड जैसे आज का चलता है ना काम, वैसे ही उस समय ये सब डेवलप हो चुका था. टैक्स कलेक्ट करेगी ये कमेटी, पब्लिक सेल, मैन्युफैक्चर गुड, ये सब देखेगी. इकोनॉमी में क्या क्या शामिल था, भाई आपका जो है स्टेट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल होता था इकोनॉमी में. शूद्र यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर का मतलब किसान की तरह काम करेंगे, मजदूर की तरह, और उनका फिर वो उसके लिए टैक्स भी यहाँ पर देंगे. फर्स्ट टाइम क्राउन लैंड वॉज कॉल्ड सीता. इसके बाद जो है provisions for irrigation by state, the normal taxation rate was 1/6 of the produce, the weight and measures were regulated by the state, right? अब यहाँ पर tolls की अगर बात करें तो toll tax भी लिए जाते थे towns में आने जाने के लिए, right? जो गेट पर लिए जाते हैं यानी कि एंट्री करते टाइम और एग्जिट करते टाइम. जो स्टेट है यहाँ पर एंजॉय करते थे मोनोपोली इन माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चर. अब सहगौरा, अब ये क्या है, गोरखपुर की एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें यूपी में जो आता है, इसमें कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है उस पे इसके बारे में बात की गई है. और महास्थाना ये भी आपका बांग्लादेश में है, वहां पर इंस्क्रिप्शन है. उन्होंने रिलीफ मेजर टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ फेमाइन, यानी कि जो भी आपका अकाल पड़ता उस अकाल के समय क्या क्या मेजर्स यहाँ पर अपनाए जाने चाहिए वो इसमें लिखे गए हैं. आर्मी किस तरीके की थी मौर्यन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक राज्य को आगे बढ़ाने में कि आर्मी ही डिपेंड करती है, और मौर्यन एम्पायर थी उसकी आर्मी तो अच्छी होगी ही हम समझ सकते हैं, बिकॉज़ उनका ग्रोथ इतना ज्यादा इतना वास्ट था. और यहाँ पर मेंटेनेंस ह्यूज आर्मी की करते थे. कौटिल्य परमिटेड ऑल द फोर वर्नास इन द सर्व इन द आर्मी. इसमें आपका प्लिनी मौर्यास, ये देखो अकॉर्डिंग टू प्लिनी एक राइटर है, ठीक है. आर्मी ऑफ 6 लाख सोल्जर्स इसमें आते थे. मौर्यंस आल्सो मेंटेन्ड अ नेवी, नेवी भी इन्होंने एक मेंटेन की थी जो कि पानी आपका जो इतना भी बाउंड्री था वाटर वाला वहां पर काम आती है. अब देखो भाई मौर्यंस हमने कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको सब फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं. अब आपका क्या काम है इस सबको रिवाइज करना, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही पूरा मैंने स्लाइड जो है बनाई हुई है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है जैनिज्म. अब जैनिज्म जो है वो पार्ट है एक तरह से रिलीजियस पार्ट पे की तरफ हम थोड़ा सा आ जाते हैं. रिलीजियस हिस्ट्री भी बताता है इंडिया की, और एक तरह से सोसाइटी भी बताता है, जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में वो भी बताता है, इंक्लूडिंग अगर मैं बुद्धिज्म की बात भी करूं तो. बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर सोसाइटी में इतना ज्यादा आपका 6th century BC तक जो वैदिक समाज था उन्होंने उसकी वजह से लोग इतने परेशान हो चुके थे, ढोंग आडंबर जितने भी आपके रिचुअल्स थे उन रिचुअल्स से परेशान हो चुके थे. उस सबसे बाहर निकालने के लिए एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा रिलीजन बनाया गया जिसमें हर कोई आम व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, और इसको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होती थी एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा रिचुअल करने की जरूरत नहीं होती थी, जो कि वैदिक समाज में इतना छूट नहीं मिलता था. राइट, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लिकेशंस एंड रिचुअलिज्म इन हिंदू, तो ये मैंने मेन बताया. एक तो चीज होगी आपकी रिचुअल करना, कर्म कांड करना, ये बहुत ज्यादा हो रहा था आपका वैदिक समाज में. वैदिक रिलीजन यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और डीजनरेटेड इन टू superstitions, dogmas, rituals. अब sacrifices यहाँ पर आपकी वेद यहाँ पर थोड़े से complicated बन गए थे. Vedic mantras were complicated and went beyond the understanding of common man. The supremacy of brahmanas created unrest, right? जो supremacy थी ब्राह्मण की, वहां पर आपका अगर सिर्फ ब्राह्मण किसी एक
वर्ण में किसी एक, आपका क्लैन में किसी एक अगर पार्ट ऑफ सोसाइटी में ही सारी पावर चली जाएगी तो क्या करेंगे, अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर देंगे। वही हो रहा था। और उसके बाद ब्राह्मण क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे मॉनिटरी, उसके बाद कर्मकांड कराने लगे। छोटे जो लोग उनके पास अगर कोई जाता था किसी सर्विस के लिए तो उनसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव करना। दे नो लॉन्गर लेड प्योर एंड होली लाइफ। अब क्या करता था, वो भिक्षा में सोना चांदी और इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होने लगे थे। तो वो अब होली लाइफ, जो एक सिंपल लाइफ होती है, उसकी तरफ ना होके एक ग्लैमरस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, राइट। अब यहाँ पर जितने भी सैक्रेड वैदिक टेक्स्ट हैं वो जो संस्कृत में लिखे गए थे, और संस्कृत किसको आती थी, संस्कृत सबको नहीं आती थी, सबकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज थी सिर्फ लर्न मैंस की, जो आपकी ब्राह्मणाज हो गए उनकी, ठीक है। मासेस कुड कनेक्ट विद द न्यू सेक्ट्स एज महावीरा एंड बुद्धा स्पोक टू देम इन देयर लैंग्वेज। जैनिज्म की अगर बात करें तो अगर जैसे महावीर बुद्धा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मासेस की आम भाषा को पकड़ा, यानी कि प्राकृत भाषा, और बुद्धा किसमें, पाली भाषा, जो आम लोग बोलते थे, आम लोग जानते थे, इससे लोग उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाए। जैनिज्म की अगर बात करें तो जनरली बिलीव ये किया जाता है कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो थे वो महावीर थे, और इट इज नाउ रिकग्नाइज दैट महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकारा, ठीक है, 24वें तीर्थंकार थे, ठीक है। और इसके बाद है, द सेक्रेट बुक्स ऑफ जैन टेल अस दैट देयर फर्स्ट तीर्थंकारा वॉज ऋषभ। ऋषभ देव उनके पहले तीर्थंकार हो जाएंगे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऋषभ वॉज फॉलोड बाय 23 तीर्थंकारा, यानी ये सबसे पहले जो फाउंडर थे वो थे आपके भाई तीर्थंकार, सबसे पहले ऋषभ देव हो जाएंगे। और इसके बाद जो है विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ये सब में ऋषभ देव के इनकार्नेशन के बारे में बताया गया कि किस तरह से नारायण भगवान का ये अवतार है। और उनकी चार टीचिंग्स कौन कौन सी है इसमें, कि नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है, और नॉट टू स्टील, और नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, राइट। ये इनके चार आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो चार मेन टीचिंग्स हैं जो आपकी बताई गई हैं यहाँ पर। और इसके बाद इन टीचिंग्स को फॉलो करते हुए जैनिज्म ने अपना जो है बेसिक बनाया। और इसमें क्या होता था कि जो किसी की लाइफ को हर्ट ना करना, जैसे कि इसीलिए जैन जैन जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों को हार्म नहीं करते हैं, राइट। तो कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट ना करना। वर्धमान महावीर जो 24th तीर्थंकार हुए, लास्ट तीर्थंकार हुए, और जो है जिनकी वजह से ये जैनिज्म ज्यादा पॉपुलर हुआ। इनको जो है, इनका कुंडग्राम डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आ चुका है कहाँ पर जन्म हुआ, मुजफ्फरनगर, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और 540 BC में इनका जन्म हुआ था। वो एक राजा थे, राजा के बेटे थे, और बिंबिसार जो है उस समय मगध के रूल थे, हर्यंक डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। और यशोदा से उनकी शादी हुई थी, उनकी बेटी एक हुई थी प्रियदर्शना। इसके बाद वो संत बन गए और जो है 30 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए, और यहाँ से उनका जो है सेंट बनने का रास्ता शुरू होता है, राइट। तो इसके बाद हमारा आता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिक फैक्ट्स है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्चुअली BPSC में, तो आप प्लीज इन सबको, फैक्ट्स को अच्छे से रिमेम्बर रखें। और 12 इयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन, और जिसको हम इसको बोलेंगे, अगर उन्होंने 12 साल जो है बिताए अपनी तपस्या करके, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने क्या किया, अपनी सब सेंसेस पे कंट्रोल पाया, और 13वें साल पे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति जो है कि अंडर अ साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे, जो उनको जीना, जीन कौन होता है, जीन होता है जिसको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और एंड अ केल्विन एंड ऑमनीसेंट एट ज्रिम्बिके ग्रामा, ठीक है। तो ये आपका इस जगह पर इनको क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। 30 साल तक जो है महावीर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, और जो है अपने रिलीजन को आगे बढ़ाते रहे। और 72 साल की एज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति उनको हो गई, और पावापुरी के पास में उनका जो है देहावसान हो गया, यानी कि उनकी डेथ हो गई, राइट। और कैवल्य यानी कि जो आपका जैनिज्म में हम यही बोलेंगे, कैवल्य यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनको डेथ की प्राप्ति हो गई। तो 72 इयर्स ही वाज, राइट, एट द टाइम ऑफ देयर डेथ। सो डॉक्ट्राइंस ऑफ जैनिज्म क्या कहता है, कौन कौन सी सीख हमें बताता है। महावीरा जो थे उन्होंने एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्राइंस ऑफ पार्सवा एंड कोडिफाइड द अनसिस्टमैटिक, ठीक है, मास ऑफ बिलीफ्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलीजन। उन्होंने किसी भी तरह की वेदास की अथॉरिटी और वैदिक रिचुअल्स को
मना किया। उन्होंने क्या किया, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वेदास की जो है अथॉरिटी थी उसको रिजेक्ट किया कि सिर्फ वेद ही है, वेद के रास्ते से ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ साफ मना किया, ही डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उन्होंने भगवान की एग्जिस्टेंस को मना किया। उन्होंने कर्मा जो फिलोसफी थी उसमें उन्होंने बिलीव किया कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, ना कि कोई भगवान है जो आपको फल देगा, इस तरह की उनकी फिलोसफी थी। और जो आत्मा थी, आत्मा एक दूसरे से एक से दूसरे में जाती है, इसमें उन्होंने बिलीव किया। अब यहीं से उन्होंने निर्वाण की और मोक्ष की प्राप्ति जो है इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिजायर है, इसका उन्होंने माना इस बात को। और पहली बात जो उन्होंने बोली वो क्या थी, राइट फेथ, यानी कि आपका जो सम्यक विश्वास। अब वो एक तरह से तीन रत्न है उनके धर्म के, अगर इन तीन रत्नों को माना जाता है तो फिर आप सही से मोक्ष की प्राप्ति आप कर लेते हैं। राइट नॉलेज, सही ज्ञान आपको होना चाहिए, राइट कंडक्ट, सही कर्मक आपका होना चाहिए, ठीक है। और टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म में आपके पांच डॉक्ट्राइन आ जाते हैं, इसमें किसी को नुकसान ना पहुंचा, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ज्यादा धन की प्राप्ति ना करना, ठीक है। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, यानी कि ये जो आखिर वाला जो पांचवा आपका टीचिंग है ना, ये वर्धमान महावीर ने दी है। अदरवाइज उससे पहले जो भी ये चार जो आपके पहले वाले जो नियम है, रूल है, टीचिंग्स हैं, ये आपको पहले जो थे जितने भी आपके जो तीर्थंकारा हुए हैं उन सब ने ये दिया है। बट यहाँ पर जो कॉन्टिनेंस वाली जो थ्योरी है ये आपकी वर्धमान महावीर ने दी है, राइट। तो इसमें आपका देखा जाएगा किसी भी प्रकार का, जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, ये इसका मतलब होता है। और ये अपने 24 तीर्थंकारा जो महावीर थे, वो महावीर ने ये ठीक बताई है, राइट। तो यहाँ पर पांचवी डॉक्ट्राइन थी जो महावीर ने दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो इससे पहले की चार हैं जो प्रीवियस टीचर्स थे उन्होंने बताए थे। जैन फिलॉसफी जो थी वो हिंदू सांख्य फिलॉसफी के बहुत क्लोज थी, ठीक है। हमारी छह फिलॉसफी हैं, आपको पता होना चाहिए ना, सांख्य है आपकी, योग है आपका, मीमांसा है, और इस तरीके से आपकी छह फिलॉसफी है, और उसमें से ये हिंदू सांख्य फिलॉसफी में आता है, राइट। दे इग्नोर द आइडिया ऑफ गॉड एंड एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस, यानी कि पूरे जो आपका दुनिया है ये पाप से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, और आपके जो कर्मा है वो आपको बचाएंगे इन सबके दुखों से, राइट। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म के क्या क्या फिर बाद में सेक्ट आए, उसके प्रकार आए, जिसे पार्श्वनाथ ने यहाँ पर जो महावीर थे उनसे पहले वाले उनको उन्होंने बताया था कि अपर और लोअर पोर्शन ऑफ दियर बॉडी सिर्फ उसको कवर करो। महावीर ने तो उनको भी हटाने के लिए बोल दिया, एटलीस्ट पार्श्वनाथ ये बोलते थे कि आप अपना ऊपरी और निचला भाग जो है कवर करो, पर महावीर ने वो भी कपड़े उतार देने को कहा। इन्होंने दुनिया की हर एक चीज का त्याग कर दिया। और श्वेतांबर क्या थे, श्वेतांबर जो है व्हाइट क्लैड, यानी कि सफेद कपड़े पहनने वाले। जैन धर्म में दो क्लैन हुए हैं, एक तो आपका श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर, राइट। दिगंबर क्या थे, जो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनते, स्काई क्लैड, यानी कि एकदम नेकेड रहते हैं धरती पे, ठीक है। और ये श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ में ज्यादा पाए जाते हैं, साउथ में ज्यादा पाए जाते हैं, ओके। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, महावीरा ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स व्हिच एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन। यहाँ पर आपका जो जैनिज्म है उसमें क्लियरली मार्क किया गया है कि ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है कि उसको कम्प्लीटली डिनाई नहीं करता है, यानी कि इन्होंने भगवान को तो बोल दिया वेदों को मत मानो, पर इन्होंने कम्प्लीटली जो ब्राह्मण जो अपना वर्चस्व यहाँ पर बैठे थे जमा के, उसके खिलाफ इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। तो इस वजह से ना ये मासेस को अट्रैक्ट करने में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसके फॉलोअर्स में मैन और वुमेन दोनों आते थे, इसको डिफरेंस नहीं था। और डिस्पाइट जैनिज्म ग्रेजुअली यहाँ पर साउथ और वेस्ट में इंडिया जो है आपका ये जैन धर्म फैल गया। आपको पता है कि जो साउथ जो वेस्टर्न इंडिया है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर जैन धर्म पाया जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड किया, वो आपको पता है, मगध से सीधा आ गए थे श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, वहीं पे उनका डेथ हो गया था। और कलिंग जो युद्ध था 4th सेंचुरी ओडिशा में हुआ था, और इन द 2nd सेंचुरी BC इट एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग खारवेल, जो आपके किसके राजा थे, कलिंग के, ठीक है। और साउथ में जो जैनिज्म जो उसको पैट्रोनाइज किया, वहां की रॉयल डायनेस्टीज ने, जिसमें से गंगा, कदंबा, चालुक्या और राष्ट्रकूटा आते हैं, राइट। इन्होंने इसको साउथ में फैलाया।
जैन काउंसिल कौन कौन सी हुई भाई, इसकी जो मेन काउंसिल हुई पहली तो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये काउंसिल आपकी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम पे इसको पूछा गया है। और स्थलम भीमुन और द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड सेंचुरी बीसी, तीसरी शताब्दी की शुरुआत में ये हुई थी, कहाँ पर आपकी, और इसमें इसका मेन काम क्या था, 12 अंग इन्होंने जो है जो आपके 14 पूर्वाज के बदले में उनको रिप्लेस कर दिया, उनको कंपाइल किया गया था। और ये स्थलम्भीमुन यहाँ आपको पाटलिपुत्र में बेसिकली पटना में बनाई गई थी, यहाँ पर आपका ये याद रखना। सेकंड काउंसिल जो थी वल्लभी, वल्लभी गुजरात में है, वहां पर ही हुई थी 5th सेंचुरी के आसपास, ये आप याद रखिएगा। 12 अंग और उपंग इसमें फॉर्मेशन हुई थी। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा जैनिज्म का इंडियन कल्चर में, पहला सीरियस अटेम्प्ट हुआ किसको, वर्ण सिस्टम को हटाने का, ठीक है। पहली बात जैन फिलॉसफी यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर इंडियन थॉट देती है, इसमें अहिंसा सत्य अस्तेय जो हम बोलते हैं ना कि आपका अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने दिया, वो अहिंसा सबसे पहले जैनिज्म का ही विचार था, राइट, ब्रह्मचर्य की बात बताती है। इसके बाद यहाँ पर प्राकृत भाषा को यहाँ पर उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, उसके जो ग्रंथ है जैनिज्म के वो सब इसमें मिलते हैं। जैन धर्म में यहाँ पर क्या किया गया, भिक्षु गृह और केव, यहाँ पर इसकी जो है भिक्षु गृह ही ये बनाई गई, जो जगह जगह जहाँ पर ये जो रुक के आराम किया जाता था, और जैन धर्म की जो जो फेमस जगह होती है उसमें ये सब आते हैं, उनके मंक्स यानी कि उसके भिक्षु जो है यहाँ पर आराम करते थे। इन्यूमरेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स इन पाम लीव्स वर रिटन डाउन एंड सम ऑफ देम वर प्रिंटेड विद गोल्ड डस्ट, दीज हैव गिवन राइज टू अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग नोन एज द वेस्टर्न इंडियन स्कूल। अब अगर मैं पेंटिंग की यहाँ से बात करूं कि पेंटिंग जो जैन धर्म था उससे कैसे रिलेट करती है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पाम लीव्स यानी कि ताड़ के पत्ते पर लिखी गई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो लिखावट है हाथ से, वो यहाँ पर जो है गोल्ड डस्ट से उसको पेंट किया गया और एक तरीके से ये पेंटिंग का फॉर्म बन गया, राइट। तो आर्ट एंड कल्चर में ये भी एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इसका आता है। अब हमने यहाँ तक आपने देखा कि हमने जो जैनिज्म तक हम यहाँ पर टॉपिक्स कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जैनिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। बुद्धिज्म मैं नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट कराऊंगी। यहाँ तक आप जितना भी फैक्ट्स है, एक एक फैक्ट्स मैंने डाला है यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर से, सब अच्छे से आप डिस्कस कर लीजिएगा। सुनिए पीसीएस आपके साथ हमेशा ऐसे ही, आप जो है अपनी आपकी तैयारी में आपका सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे, और मेरा कोशिश है कि आपको बीपीएससी के लिए एकदम क्रिस्प फॉर्म में बहुत ही कम टाइम में आपका सारा सिलेबस कवर करा देना, ओके। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूं, और इसमें शुरुआत जो मैंने की थी आपकी महाजनपदा से लेकर आपका जैनिज्म तक, यहां तक आप पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटीज अपने नोट्स को फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, राइट। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।